नमस्कार, मैं प्रियंका देवा से नव भारत के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता बरकरार। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसकी वैधता को चुनौती देने वाली 40 याचिकाओं पर 4 अलग अलग फैसले सुनाए। श्रीलंकाई धनुष का क्रिकेटर गुणतिलका निलंबित। उन पर श्रीलंका के T20 विश्व कप अभियान के दौरान ऑस्ट्रेलिया में एक महिला से बलात्कार करने का आरोप है। 31 वर्ष के गुणतिलका को रविवार को तड़के गिरफ्तार किया गया था। 4 विधानसभा सीट पर खिला कमल, कांग्रेस रही विफल। भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार को कड़ी चुनौती पेश की है तो ओडिशा में भी बीजेपी के विजय रथ को रोका है। गत 3 नवंबर को 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए जिनमें कांग्रेस को एक पर भी सफलता नहीं मिली। तंजानिया में यात्री विमान क्रैश, हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है। प्लेन में 49 पैसेंजर मौजूद थे जिनमें से 23 लोगों को बचा लिया गया है। जानकारी है कि खराब मौसम की वजह से प्लेन झील में गिरा। ट्विटर पर पैरोडी अकाउंट बिना चेतावनी होंगे सस्पेंड। इस बात की घोषणा ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने खुद ट्वीट कर दी है। हाल ही में ऐसे कई अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं जो किसी और के हैं, लेकिन पैरोडी अकाउंट के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। आज की इवनिंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए नव भारत से जुड़े रहिए।